जोशीमठ के पुनर्वास एवं पूर्ण विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के लिए राहत पैकेज मिलने से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए पीएम और गृह मंत्री से राहत पैकेज मांगा गया था। केंद्र ने पहले चरण में इसके लिए 1845 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए ठोस काम कराए जाएंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब से जोशीमठ की रास्ती हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेज़ी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहाँ पर संपन्न होंगे।